नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का वर्तमान टीवी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। प्रदेश भर में मतगणना को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर है और इसी को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला मुख्यालय के सपा कार्यालय पर आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे एवं पूर्व राज्यसभा सांसद व सिद्धार्थनगर चुनाव के मतगणना प्रभारी आलोक तिवारी समेत पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पांचों विधानसभा के प्रत्याशी एवं प्रभारी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोक तिवारी ने मतगणना की तैयारियों एवं अपनी रणनीति को लेकर जानकारी देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना में बीजेपी एग्जिट पोल की आड़ में वोटों की चोरी करना चाहती है और इसी को रोकने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं पोलिंग एजेंट पूरी मुस्तैदी के साथ मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने एग्जिट पोल झूठा है और एग्जिट पोल पूरी तरह से सही नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी एग्जिट पोल करवाया गया है। मैं मतगणना लेकर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे इलेक्शन जो पूरी तरह से तैयार हैं। हम मतगणना में किसी प्रकार की धांधली होगी तो उसका हम वो मुकाबला करेंगे और मुझे उम्मीद है हमारे कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के इलेक्शन एजेंट इतने सतर्क रहेंगे कि कोई गलती ये जल्दी कर ही नहीं पाऊंगे। जो एग्जिट पोल दिखाया गया है उसको ये एग्जिट पोल झूठा है। आप उसका अभी एग्जिट पोल कर रहे हो। शाम को एक पत्रकार आंध्रा के बोल रहे थे कि ये सट्टा लगाने वालों को सावधान कर रहे थे कि इस पर भाजपा सट्टा मत लगाना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। सारे छोटे देखिए ये बड़े हैं, वो बता रहे थे 22 करोड़ लेकर के इन्होंने समझौता कर लिया कि आपका हम हवा बनाएंगे, तो ये सब निरर्थक है और एग्जिट पोल कभी पूरा सही होता नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं हमेशा लड़ता था, मुझे सब कहते थे हार जाइए और जब यहाँ आता तो सर्टिफिकेट में ही पाता था। तो ये सब बकवास है, ये केवल हमारे कार्यकर्ताओं का और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी एग्जिट पोल कराया गया। देखिए, हमने उसी मतगणना को लेकर के हमने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि मतगणना स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। उसी को लेकर के ये जिस प्रकार से आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो ईवीएम जो पकड़े जा रहे हैं, कुछ ईवीएम जो है ये कहे जा रहे हैं कि कुछ ट्रांसफ़र करके वहाँ रखे जा रहे हैं, कुछ वहाँ से वहाँ रखे जा रहे हैं, इन चीज़ों को जो जिस प्रकार से आपने देखा है कि जो एग्जिट पोल के बारे में जो अभी मैंने कहा कि एग्जिट पोल जो आया है ये पूरी तरीके से भ्रमित करने वाला है। और ये इसी नाते ये एग्जिट पोल जो तमाम जो न्यूज़ चैनलों ने किया है, इसकी आड़ में भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करना चाहती है और इसी को रोकने के लिए पार्टी से जो निर्देश है और जो हमने जो यहाँ कहा है अभी कि हमारे जितने भी जो है पोलिंग एजेंट हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ मतगणना जब तक आखिरी रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक जीत का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक पूरी मुस्तैदी के साथ मतगणना स्थल पर डटे रहेंगे और प्रमाण पत्र लेने के बाद ही जाएंगे।